खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां मारपीट में घायल दो पक्ष अस्पताल में भिड़ गए। अस्पताल परिसर में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और धारदार हथियार चले। बीच बचाव करने पहुंचे अस्पताल के कर्मचारियों से भी आरोपियों ने हाथापाई और गाली गलौज की। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने मामले की शिकायत कोतवाली में कर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बिजवाल ने बताया कि दोनों पक्ष चिकित्सालय परिसर में इमरजेंसी कक्ष के समीप अस्पताल स्टाफ के सामने ही मिल गए। दोनों पक्ष में धारदार हथियारों से मारपीट, गाली गलौज शुरू हो गई। इमरजेंसी रूम में रखे फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया। पूरे मामले को लेकर अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारी कोतवाली पहुंचे और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने की मांग की। चिकित्सकों ने पुलिस को बताया कि कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इस कारण अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। शाम को 7:30 बजे के आसपास ये टुकड़ी नानीमत्ता से दो पक्ष यहाँ पे इलाज कराने आए थे, तो इलाज के दौरान इनमें आपस में ही विवाद हो गया और ये आपस में हॉस्पिटल परिसर में ही विवाद स्टार्ट कर दिया इन्होंने, जिसमें काफ़ी इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया और हॉस्पिटल में भी थोड़ा कार्य में अपना विघ्न पहुँचाया। जिन्हें आज हमने थाने में कोतवाली में देखे आए हैं, और इसमें कल रात डॉक्टर लक्ष्मण बिजवाल सर हमारे ड्यूटी पे थे, तो उनकी ड्यूटी में ही ये हंगामा हुआ है पूरा। इसमें सुखविंदर सिंह पुत्र मोहर सिंह, सुखदेव सिंह पुत्र चरण सिंह और बूटा सिंह पुत्र मोहर सिंह ये चोटिल थे जो इलाज कराने आए थे। इलाज के बाद कुछ टाइम बाद इनका आपस में विवाद हुआ, जो हॉस्पिटल परिसर में ही इन्होंने किया है और जिसके तरीके आज हमने थाने में दे दी। हमारे काफ़ी समय से हमने PID की डिमांड कर रखी है, हमने CMO को भी तलब कर रखा है इस बारे में और CMO सर ने आगे भी फॉरवर्ड कर रखा है DM सर को, और हो सकता है जल्दी PID के लिए भी हमने आज भी हम आगे देंगे ज्ञापन कि PID हमें प्रोवाइड करवाई जाए।